अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जी आज एक आपके लिए कंपैरिजन वीडियो लेके आए बिटवीन टोयोटा करोला आल्टस ग्रैंडी, ये प्री फेसलिफ्ट है, और बिटवीन करोला आल्टस एक्स स्पेशल एडिशन का। स्पेशल एडिशन जो है टोयोटा ने लास्ट ईयर लॉन्च किया था अपनी, जो है वो 50 मिलियन ग्लोबल सेल के जो ऊपर है वो गाड़ी पहुंची थी, तो उसके लिए पाकिस्तान में लॉन्च हुई थी। जब ये लॉन्च हुई थी उस वक्त इसकी प्राइस कुछ 36 लाख के पास पास थी। आज की डेट में इसकी नई की प्राइस जो है वो 45 लाख क्रॉस कर गई है, जबकि ग्रैंडी की ब्रांड न्यू की प्राइस जो है करीबन 49 लाख की मिलती है। उसके अलावा टैक्सीज रजिस्ट्रेशन वगैरह वो सेपरेट, अब आपको 50 से ऊपर की गाड़ी कॉस्ट कर रही है। आज के दिन की बात कर रहा हूँ, तो दोनों गाड़ियों का ना आपको कंपैरिजन बताने वाला हूँ। छोटा सा डिफरेंस है दोनों गाड़ियों के अंदर, वो ये है कि ये प्री फेसलिफ्ट है, इसमें बम्पर वो वाला आपको एक्स वाला नहीं मिलेगा और LED फॉग लैंप्स मिलते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ दी चीज़ें जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। वीडियो फर्दर स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, ताकि आप किसी भी किस्म की नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो मिस ना कर सकें, तो सब्सक्राइब करें। ओके जी, अब दोनों गाड़ियाँ सामने, ये है जी ग्रैंडी 1.8 प्री फेसलिफ्ट, फेसलिफ्ट के बाद का जो फेसलिफ्ट है वो नहीं था, और ये एक्स है जो आजकल आ रही है, तो ये स्पेशल एडिशन है। तो सबसे पहला डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ गाड़ियों के अंदर, जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि इस गाड़ी के अंदर है जी 1800 सीसी इंजन, और इस गाड़ी के अंदर है जी 1600 सीसी VVTi, या डुअल VVTi टोयोटा ने जो लिखा होता है साइडों पर भी। अच्छा, ये देती है जी 138 हॉर्स पावर और 175 न्यूटन मीटर का टॉर्क, और ये गाड़ी देती है 120 हॉर्स पावर और 150 न्यूटन मीटर का टॉर्क। ठीक है, वो तो इंजन पावर से भी आपको पता लग जाता है 1800 और 1600 का। अगर बात करूँ ट्रांसमिशन की, तो इस गाड़ी के अंदर है जी 7 स्पीड CVT ट्रांसमिशन, इस गाड़ी के अंदर है 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। और अगर बात की जाए फ्यूल एवरेज की, हाईवे के ऊपर ये गाड़ी जो है ये बड़े आराम से इस गाड़ी से जीत जाती है। इन सिटी आपको 10 तक का एवरेज देती है बड़े आराम से, ये भी इतना एवरेज दे देती है। इसके अलावा अगर आपको मैं डिज़ाइन की तरफ आऊँ, तो इस गाड़ी के अंदर जो नई वाली गाड़ी आई है ना, उसका मैं आपको फर्क बता देता हूँ कि बम्पर इस तरह वाला है और इसके अंदर LED फॉग लैंप है। ये मैं आपको नई का डिफरेंस बता रहा हूं। बाकी अगर आ जाए तो फ्रंट में इसके अंदर है ऑटोमेटिक LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, ये टोयोटा ग्रैंडी के अंदर आते हैं ऑटोमेटिक। वाइपर आते हैं वो रेन सेंसिंग आते हैं। इसकी तरफ आ जाए तो ये स्पेशल एडिशन के अंदर इन्होंने ऐड किया था कि इस गाड़ी के अंदर आपको LED लाइट्स दी गई हैं, बट ये ऑटोमेटिक नहीं है। लेकिन आप अगर सामने दोनों गाड़ियां नई खड़ी कर लेना, ब्लैक ये खड़ी करके ये कर ले, आपको फर्क नहीं पता लगेगा। आप किसका फॉग लैंप देखेंगे ना, ये इसमें आफ्टर मार्केट ये इन्होंने लगवाया हुआ है, मतलब इससे पहले ये नहीं लगा हुआ होता, ये आपको लगवाना पड़ता है। इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर फ्रंट में भी कैमरा आता है, जैसे कि आप वो टोयोटा के लोगों से देख सकते हैं, इस गाड़ी के अंदर वो भी नहीं आता। अब आपको साइड्स की तरफ मैं ले आता हूँ। इसके अंदर 16 इंच के अलॉय रिम्स आते हैं सेम, और योकोहामा एडविन डीवी का टायर आता है, इंपोर्टेड टायर है जो कि बहुत ही अच्छा टायर है, सेम एज़ टोयोटा। इसी के अंदर जो आल्टस आती है स्पेशल एडिशन और आल्टस ऑटोमेटिक, उसके अंदर भी योकोहामा का 16 इंच का रिम सेम डिज़ाइन के साथ एडविन डीवी के टायर के साथ ही देती है। अच्छा, ये चीज़ें सेम होगी, दोनों गाड़ियों के अंदर साइड स्कर्ट्स भी आते हैं। एक और डिफरेंस मैं आपको बता दूँ कि इस गाड़ी के अंदर जो मिरर है, पावर तो दोनों गाड़ियों के अंदर आते हैं इलेक्ट्रिकेबल, लेकिन इसके अंदर जो है वो पावर फोल्डेबल मिरर है, मतलब बटन दबाते हैं, रिट्रैक्टेबल मिरर भी जिनको कहा जाता है। इसके अलावा एक और डिफरेंस ये है कि जो 1.8 ग्रैंडी है, इसके जो मिरर हैं, जब आप गाड़ी को रिवर्स करते हैं तो वो थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं, आपको गाड़ी रिवर्स करने में और ज्यादा आसानी हो जाती है, इसमें वो चीज़ नहीं होती। दोनों गाड़ियों के अंदर सनरूफ मौजूद है। अब बैक साइड पे आ जाए ना, तो अब मैं आपको क्लियरली बताऊं, मुझे एक्स के अंदर ये पिछला बम्पर बहुत ही कोई अजीब सा लगा था, मुझे नहीं पसंद आया था, लेकिन मुझे ये सिंपल ज्यादा प्यारी लगी, मेरी अपनी ओपिनियन है। ठीक है, तो ये 1.6 है। पिछली वाली साइड पर सिर्फ बंपर के अलावा आपको कोई डिफरेंस नहीं नजर आता। LED लाइट्स हैं दोनों गाड़ियों के अंदर मौजूद है। अच्छा जी, ये चाबी है जी करोला ग्रैंडी की, कीलेस सिस्टम है, स्मार्ट एंट्री वाली कीलेस है। ठीक है, इसको पहले रखते हैं इसके अंदर और गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। पुश स्टार्ट है इसका, ठीक है, मीटर इसका प्यारा बड़ा वेलकमिंग सी फीलिंग दे रहा है गाड़ी के अंदर। और इसके स्टीयरिंग व्हील के अंदर आपको पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं, क्रूज़ कंट्रोल मिलता है। इसके अलावा पावर मिरर का जो मैंने आपको बताया था रिट्रैक्टेबल जो है वो आता है, ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लेदर है लगा हुआ, ठीक है, ये ग्रैंडी के अंदर आता है कि यहाँ पे भी आपको लेदर लगा हुआ मिलता है। और ये क्योंकि प्री फेसलिफ्ट है तो इसमें मैनुअल डिम मिरर है, अदरवाइज इसके अंदर भी अब ऑटो डिमिंग मिरर आ जाता है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो नई ग्रैंडी है उसके अंदर आपको ऑप्शन मिल जाता है ब्लैक इंटीरियर का, आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे तो आपको ये इंटीरियर जो है वो ब्लैक कलर में मिल जाता है। निचली साइड पे आ जाए तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, सिंगल जोन है, ये 7 स्पीड आती है जी CVT ट्रांसमिशन में। एक एडिशनल चीज़ जो ग्रैंडी में आती है वो ये आती है कि इसके अंदर स्पोर्ट्स का बटन दबाता है, जब आप इसको दबाते हैं ना यहाँ पे स्क्रीन के अंदर स्पोर्ट्स का बटन जो है वो शुरू हो जाता है, जैसे अभी ये दबाया तो ये यहाँ पर एक्टिव हो जाता है, और ये चीज़ें आती हैं। बाकी जो है रेस्ट ऑफ द चीज़ें जो है वो दोनों गाड़ियों के अंदर सिमिलर हैं। एक और डिफरेंस मैं आपको बता दूँ, जो ग्रैंडी है ना, इस गाड़ी के अंदर आपको लेदर सीट्स मिलती हैं और ये स्टैंडर्ड आती हैं लेदर सीट्स। और इसके अलावा जो अगर आपको मैं स्पेस की बात करूँ तो दोनों गाड़ियों में लेग स्पेस सेम आता है, वो किसी भी किस्म का आपको मसला नहीं करता, और स्पेस वाइज गाड़ी बहुत बेहतरीन है, कोई भी किसी किस्म का स्पेस वाइज इशू नहीं।
अच्छा, तो ये जो अभी है टोयोटा करोला आल्टस स्पेशल एडिशन की, सबसे पहला डिफरेंस आपको सीट्स के अंदर नज़र आएगा वो है कि इसके अंदर फैब्रिक सीट्स आती हैं, जबकि ग्रैंडी के अंदर आपको थ्रू दी वे आउट आपको वो लेदर सीट्स मिलती हैं जो कि ब्लैक लेदर हैं। यहाँ बीच में आपको ऑप्शन मिलता है और मेरे ख्याल से फैब्रिक सीट जो है बेहतर है। अभी जो गर्मी पड़ रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी कमर जलती है लेदर सीट्स के अंदर। खैर, अंदर चलते हैं गाड़ी के। सबसे पहले तो करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। तो इसके अंदर भी पुश स्टार्ट है स्पेशल एडिशन में, ये आपको बता दूं, सिर्फ स्पेशल एडिशन में पुश स्टार्ट आता है। जो नॉर्मल 1.6 अल्टस आती है ना ऑटोमेटिक, उसके अंदर नहीं आता। अच्छा जी, स्टीयरिंग व्हील से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस ये है कि इसके अंदर पैडल शिफ्टर्स नहीं है। यहाँ पे आप देखें तो क्रूज की स्टिक नहीं है। तीसरा डिफरेंस मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये लेफ्ट एंड राइट मिरर कंट्रोल है, बट यहाँ पे बटन नहीं है जो कि रिट्रैक्टेबल मिरर के अंदर आता है। इसके अलावा एक और डिफरेंस ये है कि जब आप इसके दरवाजे की तरफ आते हैं तो ये देखें ना, यहाँ पे ये फैब्रिक लगा हुआ है, जबकि ग्रैंडी जो है उसके अंदर यहाँ पे आपको लेदर जो है वो लगा हुआ मिलता है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिर्फ स्पेशल एडिशन के लिए महदूद है। ये स्क्रीन जो है ये अपग्रेडेड है, क्योंकि प्री फेसलिफ्ट के बाद ये वाली फेसलिफ्ट है, तो इसलिए ये इतना बेहतर है। इसके अंदर मैनुअल डिमिंग मिरर आता है, जबकि नई ग्रैंडी के अंदर जो है वो ऑटो डिमिंग मिरर अब आता है। यहाँ पे डिफरेंस मैं आपको बता दूं कि 4-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है इस गाड़ी के अंदर। यहाँ पे देखें तो दोनों स्विचेस आपको खाली नज़र आ रहे हैं, जबकि ग्रैंडी जो है उसके अंदर यहाँ पे आपको एक स्पोर्ट्स का बटन मिल जाता है जो आपको सारी की सारी गाड़ी की वो एक्सलरेशन जो है उसको फास्ट कर देता है। बाकी रेस्ट ऑफ द मटीरियल आपको शायद इतना डिफरेंस ना फील हो। ये दो बेसिक पैडल शिफ्टर और इसके अलावा बाकी जो चीज़ें वो ऑलमोस्ट सेम है। ट्विटर्स हैं इस गाड़ी के अंदर भी आते हैं। तो ये थी यार एक छोटी सी कंपैरिजन वीडियो दोनों गाड़ियों की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी और आपको क्लियर डिफरेंसेस जो हैं वो भी दोनों गाड़ियों के अंदर मालूम पड़ गए होंगे कि क्या क्या चीज़ें जो है दोनों गाड़ियों के अंदर डिफरेंट आती हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करेगा यार, यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑल पे करके नोटिफिकेशन को ऑल पे करिएगा ताकि आप किसी भी किस्म की नोटिफिकेशन जो है मिस ना करिएगा। फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।